एंड एग्जाम्पल्स उसको हम समझेंगे, लेकिन पहला रूल होता है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो है वो कभी भी स्प्लिट नहीं होते। स्प्लिटिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि नेबरिंग जो हाइड्रोजन है क्या वो हिंडर कर रहा है किसी भी पर्टिकुलरली ग्राफ के बनने में, या जो उनका पीक बन रहा है उसमें स्प्लिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर तक, आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब यह है कि जैसे कि एक कंपोनेंट है CH3 और CH3, अगर दोनों तरफ से देखेंगे तो इस प्रोटॉन का नेचर और इस प्रोटॉन का नेचर सेम है, इधर से देखेंगे तो वही है, इधर से देखेंगे तो वही। तो ऐसे प्रोटॉन्स जो इक्विवेलेंट है हम उनमें सिमेट्री नहीं, या जैसे इक्विवेलेंट के तौर पे बोले तो जो सिमेट्रिकल तौर पे जाने जाते हैं उनमें जो है कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती सिग्नल्स की, उनका सिग्नल जो होता है वो एक नेचर का होता है। सेट ऑफ एन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जब अगर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होंगे वो एन है तो वहां पे जो स्प्लिटिंग होगी वो N+1 पीक्स में होगी, एक ज्यादा होगा जितने नंबर ऑफ डिफरेंट नेचर के हाइड्रोजन या डिफरेंट नेचर के जो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। और याद रहे कि स्प्लिटिंग जो है 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा नहीं दिख सकती, 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्प्लिटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी पीक स्प्लिट करता है एक हिस्से में, मतलब टूट नहीं रहा है, तो उसको हम सिंगलेट बोलेंगे। दो हिस्से में स्प्लिट करता है तो डबलेट बोलेंगे। तीन में करेगा तो ट्रिपलेट, चार में करेगा तो क्वार्टेट, फाइव में करेगा तो क्विंटेट, सिक्स में करेगा तो सेक्सटेट, सेवन में करेगा तो सेप्टेट, सेवन से ज्यादा है तो मल्टीप्लेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जरा समझिएगा कि जब भी कोई पर्टिकुलरली फॉर्म यानी अपियरेंस जो होता है, इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देख के फिर समझने की कोशिश करिए। अगर नेबरिंग हाइड्रोजन के तौर पर हमें जाना है, सिंपल तौर पर समझिएगा एन इज द नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, और वो नेबरिंग हाइड्रोजन जो है वो सिमेट्रिकल ना हो तो बेहतर है। मतलब जैसे एकदम सिमेट्री वाले नहीं होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे, जैसे CH3 CH3, अब दोनों सेम नेचर के तो हम इनको यूज नहीं कर सकते, या एक ही कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो दोनों भी सेम नेचर के तो उनको भी जो है स्प्लिटिंग के लिए नहीं काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहले मैं इस कार्बन की बात करता हूँ। अब इस कार्बन के लिए ये एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपना एक सिग्नल जनरेट करने वाला है। अब इस सिग्नल में कोई भी स्प्लिटिंग का पैटर्न होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए आपको उसके पड़ोस में देखना पड़ेगा। इसके पड़ोस का हाइड्रोजन ये भी है, क्या इसके लिए ये स्प्लिटिंग शो करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का नेचर जो है वो इस हाइड्रोजन के नेचर के बराबर है। इस हाइड्रोजन के तौर पर अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन भी इसमें स्प्लिटिंग नहीं करेगा क्योंकि सेम है। तो कहीं ना कहीं जो है हम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एक तरीके से इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के तौर पर जाने जाते हैं, हम उनको कंसिडरेशन में नहीं लेते। यानी तीनों के कहीं ना कहीं एक सिग्नल जो आ रहा होगा, इस तीनों हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो एक ही जैसा आएगा और एक ही पीक मिलेगा, क्योंकि सभी का नेचर, अगर मैं इसमें चार कार्बन मेंशन है, मैं इस कार्बन को ए, इस कार्बन को बी, इस कार्बन को सी और इस कार्बन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी बोलूं, तो ये HD HD और HD होंगे। कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है एक ही पीक के लिए बना, क्या वो पीक टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब सवाल आता है कि इनसे डिफरेंट नेचर का हाइड्रोजन ढूंढना है, सेम नेचर का नहीं, ठीक है ना? सेम नेचर के हाइड्रोजन जो है वो नहीं होने चाहिए पहली चीज, और इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए दूसरी चीज, और तीसरी चीज कि 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिप्रेजेंट तौर पे। अब इनका नेबरिंग हाइड्रोजन ढूंढिए, तो नेबरिंग हाइड्रोजन के तौर पे देखिए कि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बगल में 1 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से बगल में दूसरा कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड को देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड, ये नेबरिंग हाइड्रोजन कंसिडरेशन में किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके आगे देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड और 4, ये नेबरिंग हाइड्रोजन नेबरिंग नहीं कंसिडरेशन में लाया जा सकता क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा हो गया, ठीक है? तो कंडीशन ये ध्यान रखना कि पहली बात तो सेम नेचर के नहीं हो, इक्विवेलेंट नहीं हो, और अगर पड़ोसी है डिफरेंट नेचर का है तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड से दूर ना हो, 3 सिग्मा बॉन्ड तक ही हो। और 3 सिग्मा बॉन्ड का सीधा सा मतलब है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हो सकता है अगल बगल, मतलब अगर कोई बीच का कार्बन है तो इसके बगल में किस इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, और इसके बगल में कोई भी एटम है उससे कितने हाइड्रोजन है। जिस भी कार्बन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं उसके अगल बगल जो कार्बन या कोई भी एटम जुड़ा है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, ये डिपेंड करता है कि कितने जो है स्प्लिटिंग होगी वो बताएगा। चलिए देखिएगा, तो इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग के लिए एक बार फिर समझते हैं, हम किसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं? इस हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन के बगल में 1 सिग्मा, ठीक है ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। उसी तरीके से इस कार्बन के बगल में इसके साथ ये भी तो है, ये भी तो 3 सिग्मा पे ही आएगा, देखो।
अगर देखा जाए तो ये भी तो तीन सिग्मा, 1 2 3, कुछ इस तरीके से जो है कंडीशन बन रहा, तो 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, यानी दो हाइड्रोजन एज ए नेबरिंग हाइड्रोजन के तौर पे, ये भी बोला जाए कि इस हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन के लिए नेबरिंग हाइड्रोजन कितने हैं? इस हाइड्रोजन के लिए जो नेबरिंग हाइड्रोजन है वो है दो, उससे ज्यादा और कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, ये वाले हाइड्रोजन कंसिडरेशन में नहीं हो सकते, ये कहानी चल रही है। जब नेबरिंग हाइड्रोजन दो है तो इस डी के लिए जो इसका पीक होगा वो कितने में टूटेगा? दैट इज n+1, वेयर n इज द नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, n इज द नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, तो 2+1 यानी कि 2+1 3 में टूटे, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2+1 दैट इज 3, ये कहानी हो गई। अब जब 2+1 3 में टूट रहा है जना, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रिपलेट बनाएगा? तो इस हाइड्रोजन के लिए दो नेबर्स, एन की वैल्यू थी 2 और ये बना दिया ट्रिपलेट, इतनी बात समझ में आई? मैंने ये इस हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से लेके बताया, अब यही कहानी दूसरे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से भी होगा कि अब इस हाइड्रोजन को देख लिया तो आप एचसी के पर्सपेक्टिव से देखिए, जरा सा देखने की कोशिश करते। अब हम एचसी के पर्सपेक्टिव से, एचसी के पर्सपेक्टिव से देखिए, एचबी देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू वॉच अबाउट द एचसी कि क्या ये वाला जब इसका जो पीक बनेगा उसमें कोई स्प्लिटिंग होगी। तो अगर इस हाइड्रोजन के लिए ये वाला नेबर था तो इस कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन होंगे इसके लिए नेबर होंगे। इस हाइड्रोजन से देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, यानी इसके लिए ये तीन हाइड्रोजन एज ए नेबर है, साथ साथ में इस कार्बन के बगल में ये कार्बन भी है और इस कार्बन के बगल में एक हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन एच सी के जो हाइड्रोजन है ये और ये, इनके पास चार नेबर्स हैं, एन की वैल्यू है 4 और चार नेबर्स में कितनी स्प्लिटिंग होगी? n+1 दैट इज 4+1 5, दैट शुड बी पेंटेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, एच सी के लिए देखिए, एच डी की जब पीक बनेगी स्प्लिटिंग तो कितनी बनेगी? ट्रिपलेट के फॉर्म में, और एच सी का जब बनेगा तो वो पेंटेट के फॉर्म में बनेगा। ये सबसे ज्यादा, ये वाला जो एच डी है अगर आप देखें तो एच डी सबसे ज्यादा अपफिल्डेड होगा क्योंकि सबसे ज्यादा शील्डेड है, फिर उसके बाद एच सी होगा अपफिल्डेड के तौर पे, ठीक है ना? देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं अपफिल्डेड के तौर पे बात करूं तो एच डी, फिर उसके बाद एच सी आएगा, फिर उसके बाद देखिए ये वाला कंपोनेंट आएंगे। अब ये कंपोनेंट भी आ सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, लेकिन एच सी, ये देखिए एक कार्बन यहां भी है तो मैं इसको जो है इस कार्बन को, इसको बी बोला था, मैं इसको एच ई बोल दे रहा हूं डी, क्योंकि मैंने डी और सी मेंशन कर रखा है, तो इस कार्बन को एच सी बोल दिया। आप मुझे एच सी मतलब ये कार्बन नंबर सी और कार्बन नंबर डी और ई, खासकर सी और ई में बताइए कि कौन ज्यादा जो है अपफील्डेड होगा, या कौन ज्यादा जो है करीब होगा एच डी के। मैं एच सी लिखूं या एच ई लिखूं, इनमें पहले कौन आएगा इन दोनों में? क्या ये ऑर्डर सही है? एच ई पहले आएगा, कितने लोग बोल रहे हैं एच सी पहले आएगा? आप खुद देखिए जरा सा, यहाँ पे इस कार्बन से ये कार्बन डोनेट है और इससे साथ ऑक्सीजन है, इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड फिर ऑक्सीजन है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? सी इज मोर शील्डेड, बिल्कुल सही जवाब है, एक लोग को समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच, मेरे इतने बेकार पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आ रहा कि डी तो सबसे ज्यादा शील्डेड है भाई, समझो कि डी जो है वैसे सबसे ऑक्सीजन से सबसे दूर है, वो सबसे ज्यादा शील्डेड है, उसके बाद सी है क्योंकि सी के बगल में ये कार्बन और भी है, कभी थोड़ी बहुत जरूरत हुई तो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है आपस में कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए, सी और ई शील्डेड के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें कार्बन के पर्सपेक्टिव से देखना है। यहाँ पे ये कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली तो खींचेगा, एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन उतना नहीं खींच पाएगा लेकिन स्लाइटली खींचेगा, यहाँ पे भी स्लाइटली ओपन करेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि क्योंकि यहाँ पे एक इम्पैक्ट फीलिंग है, इस कार्बन के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, क्यों कम रहेगा इस हाइड्रोजन के तरीके से? क्योंकि यहाँ पे एक और कार्बन है जो इसके पीछे सपोर्ट में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है,
अब इसको समझिए, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन के लिए और कोई कार्बन नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन देके जो है हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर कम कर सके। तो दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ने की वजह से, डी वाला जुड़ने की वजह से सी ज्यादा शील्डेड है, और ज्यादा शील्डेड है तो अप फील्ड की तरफ ज्यादा होगा, सीधी सी बात। फिर ई होगा, दोनों का नेचर लगभग लगभग सेम होगा मतलब, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंस की बात करें तो सी ज्यादा शील्डेड है। फिर ई ई के तौर पर अगर देखा जाए तो कितने नेबर है, देखिए इसके एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ये कितने नेबर हो जाएगा, एक दो तीन, ये दोनों हो जाएंगे कितने नेबर, तीन होंगे, कितने नेबर होंगे, तीन होंगे, वन नेबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इन्होंने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो आप कंसिडरेशन भी नहीं ले रहे हो ना, लेकिन ये तो ऐसे है एक्चुअली में एच एच एच, तो एक बॉन्ड ये दो और ये तीन, और बाकी इसके नेबर में देखो कहीं कुछ नहीं। सो दैट्स वाई सिर्फ यही ओनली वन नेबर इज देयर, और जब इसके पास वन नेबर है तो यानी कि क्या बनेगा, एन प्लस वन दैट इज टू दैट इज डबलेट, ये बनेगा। सिमिलर केस विल हैपन विद दिस बी वन, इस हाइड्रोजन के पास देखेंगे तो आपके पास कितने, एक देखिए दो नेबर यहाँ पे और तीन नेबर यहाँ पे, दो तीन पांच, कितने नेबर्स, फाइव। So, इसके पास फाइव नेबर्स, तो कितने पार्टिकुलर पी स्प्लिटिंग, फाइव प्लस वन सिक्स एट। इसको देखिए इसके बगल में जीरो नेबर्स कहीं पे कोई भी नहीं है, देखिए एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन से कार्बन, फिर दो फिर तीन, कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, जीरो नेबर तो सिंगलेट, एंड जीरो प्लस वन तो दैट इज सिंगलेट, ये कहानी है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर देख पा रहे थे आप तो मैं एक बार फिर से जो है लिख रहा हूं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हुए, होप कि कौन सा हाइड्रोजन किस तरीके से चल रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, कितने डिफरेंट नेचर के जो है वो प्रोटॉन बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें अब स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट जोड़ चुका है। अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो आपको लगभग लगभग जो है इसको रिप्रेजेंट किया था हमने एच ई, ये रिप्रेजेंट था बी, ये इनको मैंने जो है ई रिप्रेजेंट किया था, और इनको सी और इनको डी, तो आपको कितने लगभग लगभग जो है सिग्नल्स मिलेंगे यहाँ पे, जो सिग्नल्स मिलेगा वो मिलेगा फाइव, क्योंकि पांच है जिसमें से कि एच ए एच बी एच सी और एच डी और एच ई, इन सभी में अगर मैं डाउन फील्ड से अप फील्ड के बारे में ऑर्डर चेक करना चाहूं तो सबसे ज्यादा अप फील्ड की तरफ होगा एच डी, फिर एच सी, फिर एच ई, फिर एच बी, एच बी होगा, फिर एच ई होगा, क्योंकि एच बी के पास जो है कुछ और कार्बन है इसको सपोर्ट में देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, समझिए वही चीज कहानी फिर से कि इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन यहाँ से खींचेगा और एक कार्बन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीजन इस कार्बन से खींचेगा तो एक कार्बन को फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा ये कार्बन भी हेल्प करेगा, ये भी करेगा, ये इसके ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा, तो ये जो है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा शील्डेड फील करेगा, तो दैट्स व्हाई एच ए सबसे मिनिमम है। अगर मैं पीक्स के ऊपर जब बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरीके से पीक, टीएमएस अगर मेरा यहाँ पे है, टीएमएस के तौर पे जो है सब कुछ पीक्स पांच पीक नजर आएंगे। अब एच ए जो है वो कितना था इंटेंसिटी के तौर पे देखे तो थ्री, एच बी जो है वो कितना था, एच बी जो है वो था एक, एच सी दो, एच डी थ्री, एच ई थ्री, ये कहानी है, ठीक है। यानी एच डी का यहाँ पे अब एच डी ये तो इनका जो है इंटेंसिटी की बात हो गई, किस पे कितनी इंटेंसिटी है, सिग्नल्स आपको पता चल गया। अब नेबरिंग यानी स्प्लिटिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सा नेबर देखिए, नंबर ऑफ एन, मैंने एच ए के पर्सपेक्टिव से बोला था तो जीरो था, यानी इसके लिए जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो डबलेट होगी, स्प्लिटिंग का मतलब डबलेट। फिर उसके बाद एच बी, उसके लिए नेबर्स कितने थे, फाइव, यानी कि इसके पास सेक्सटेट थे, देखिए ये दो नेबर एच सी और एच ई, एच सी के लिए जो नेबर्स का काम कर रहे थे, एच सी के लिए एच डी कर रहा था, एच डी और एच बी चार, इस पे पेंटेट, और एच डी के लिए सिर्फ एच सी कर रहे थे टू यानी ट्रिपलेट, और एच ई के लिए सिर्फ एक कर रहा था एच बी और ये था डबलेट, कुछ इस तरीके से जो है चीजें बनेंगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखिये टीएमएस से सबसे करीब होगा एच डी, कितना बन रहा है ट्रिपलेट, यानी कि ये जो पीक बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में, लाइक दिस ऐसे, ये देखिए ट्रिपलेट वन टू थ्री स्प्लिट हुआ है पीक, जो आप देख रहे हैं ना ये एक्चुअली में पीक ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, वन टू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है।
ये किसके लिए है, ये एचडी के लिए, एचडी का पीक लगभग दुगना है, सॉरी ट्रिपल टाइम्स है, इतना ही बराबर होगा एचडी का और एचए का, लेकिन एचसी का इससे थोड़ा सा कम होगा। इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, कितनी बार जा रहा है, पेंटेट जा रहा है, मतलब 5 बार टूटेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, पेंटेट वन, ठीक है, ये है, ये 5 पीक्स है, ठीक है, ये है एच सी, देखिए इससे कम इंटेंसिटी, ये अगर इंटेंसिटी 3 टाइम्स थी तो ये इंटेंसिटी 2 टाइम्स थी एच सी की। अब इसके बाद एच ई है, एच ई जो है वो डबलेट बन रहा है और इंटेंसिटी लगभग एच डी के बराबर, मतलब कुछ इस तरीके से, डबलेट मतलब एच डी के बराबर कुछ, ये 2 पीक्स बराबर बराबर, ये है डबलेट, इसमें इंटेंसिटी लगभग 3 के बराबर एच ई, डबलेट 2, फिर आएगा एच ई के बाद एच बी, एच बी है सेक्सटेट, सेक्सटेट के तौर पे जो है ये इंटेंसिटी सबसे कम है, सबसे छोटी है, देखिए एच बी की इंटेंसिटी सबसे कम, यानी यहां पे आएगा सेक्सटेट, सेक्सटेट को मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये है आपका एच बी इंटेंसिटी के तौर पे 1, और फिर आएगा एच ए, एच ए को रिप्रेजेंट किया जाए तो सबसे लास्ट में है डाउनफील्ड के तौर पे, इंटेंसिटी लगभग डी और ई के बराबर, और इसमें जो है ये सिंगलेट होगा नॉट डबलेट, 0 है तो यहाँ पे सिंगलेट लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है सिंगलेट होगा, तो ये 1 बनेगा सिर्फ, लाइक दिस वन, ये है एच ए, ये कहानी होगी, कुछ इस तरीके से जो है एनएमआर के स्प्लिटिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इस एनएमआर के स्प्लिटिंग पैटर्न में जो है कितने, हमने आपके पीक्स के अल्टरनेटिव की बात करी, मैं यहाँ पे जो है डबलेट ट्रिपलेट को कुछ अलग अलग फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जैसे कि तौर पे अगर कोई भी ग्राफ डबलेट बन रहा है तो डबलेट का पीक्स ऐसे जा रहा है, 2 पीक्स, ये डबलेट है, ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्वार्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पेंटेट को किया जा रहा है तो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, सेक्सटेट को किया जा रहा है तो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। इसके पीछे रीजंस होता है पास्कल ट्रायंगल का, पास्कल ट्रायंगल्स बहुत जगहों पे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने बहुत जगहों पे मैंने पढ़ाया, कभी ना कभी पढ़ा होगा, सीखा होगा कि कैसे बनाते थे, 1 करते थे और इसको आगे पीछे 0 ज़ूम करते थे तो 1 0 1 1 फिर 0 1 1, ये 2 था, ये देखिए ये डबलेट है, डबलेट के केस में जो है 1:1 का पीक इंटेंसिटी बनता है, ये है 1:1, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर 1:1:2 और फिर ये 1, ये क्या है, ये है ट्रिपलेट, देखिए 1:2:1, इसमें जो स्प्लिटिंग भी है उसमें भी कैसे पीक वेरी कर रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है, फिर इसको जोड़ेंगे 1:0:1, 1:2:3, 1:2:3 और ये 4, इसमें देखिए 1:3:3:1, 1:3:3:1, देखिए 2 पीक छोटे, 2 एकदम बराबर, ये क्या है, ये है क्वार्टेट, ठीक है, फिर इसके बाद इनका पास्कल ट्रायंगल 1:4:6:4:1, यह है पेंटेट, देखिए 1:4:6:4:1, फिर इसके बाद करेंगे 1:5:10:10:5:1, ये क्या है सेक्सटेट, एंड ऐसे चलते चले जाएंगे तो देखिए 1:5:10:10:5:1,